लाहौर के इलाका जौहर चौन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौ मतख खी विंग की सदर लाहौर डिवीजन शहर हादी बुखारी के एजाज़ में तरीब का इक़ात किया गया जिसमें मजदिन और नौजवानों की तरफ से मुबारकबाद पेश की और शहर हादी बुखारी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए इस मौका पर शहर हादीब बुखारी ने गुफ्तु करते हुए कहा कि नौजवान हर मुल्क का सरमा होते हैं हमें अपने नौजवानों को के पाकिस्तान की तरक्की के लिए फ्रंट फुट पर लाना होगा शुरुआत से गुफ्तु करते हुए सहर हादीब बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की क्यादत नौजवान वतन पाकिस्तानी बिलावल भट्ट जरदारी कर रहे हैं हमें इन पर पूरा इतमाद है पाकिस्तान जल्द ही तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ में होगा तकरीब में शहर हादी बुखारी वाइस प्रेजिडेंट वुमेन विंग लाहौर डिवीजन मलिक जुवेज चौधरी यूनस राजा सरफराज चौधरी इशफाक सना नसीर माहम ईमान लाइबा यावर हैदर अहसन इंशाल अमर निम्ब्रा कोमल कैरन मायरा अम हसन और दो से बाबू दीगर ने शिरकत की इस मौके पर सहर हादी बुखारी नायब सदर खातन विंग लाहौर डिवीजन और शुरुका ने लाहौर सिटी न्यूज से, से गुफ्तू करते हुए कहा कि हमारे साथ मौजूद है सहर हादी बुखारी जिन्होंने रीसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया इनके कदों पर जिम्मेदारी डालेगी खुत वंग लाहौर डिस्ट्रिक्ट की नायब सदर की इनसे बात करते हैं है है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने इसलिए ज्वाइन किया कहते कि इसको लीड भी मोहतरमा बे नज़ीर भुटो शहीद करती थी और जो पंजाब वुमन विंग की सदर हैुड़की मैडम तो उनकी मैंने तरतीबें अटेंड की और मैंने उनको बोलते हुए सुना वो सबके साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और कभी भी किसी तंजीम के अगेंस्ट नहीं बोलते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का बेसिक मकसद जो ये था वो ये था कि हम हम यूथ कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करें जो कभी भी किसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट ना देती हो तो समीना खालिद गुड़की मैडम जो जी उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें पैशन है और तुम वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम पार्टी को ज़रूर ज्वाइन करो उससे पहले भी मैं वुमेन वर्क करती हूँ आप जानते हैं कि फ़िफ्टी टू परसेंट जो आबादी है वो औरतों की है तो अब ज जो यहाँ पर इतने मसाइल होते हैं वो हम घर से बाहर निकल कर ही हल कर सकते हैं तो एक अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने सोचा मुझे इसे गेन करना चाहिए और इनशाला यूथ जो है वो पाकिस्तान के लिए मिलकर इसकी इकानमी पर काम करेगी इनशाला अच्छा आपने ज्वाइन किया आपके माइंड में आपने कुछ सोचा होगा फ्यूचर में कुछ करने के लिए क्या प्लान लेके हैं आप देखिए जो हमारा पहला प्लान है वो हमने यहाँ की जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करना है तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ की एक्सपोर्ट पे काम करेंगे तो जो डॉलर है वो पाकिस्तान में आएगा और फिर उससे इकॉनमी ग्रोथ होगी यहाँ पे पाकिस्तान के पैसों की वैल्यू बढ़ेगी इन पाकिस्तान का नाम तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा और हम यूथ सारे मिलकर काम करेंगे और हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी यंगस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री पर आए हैं तो हमारा यही प्लान था कि अब हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर काम करना है अच्छा मुझे सच ये भी बताइएगा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्वाइन किया खुवान जो है उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है खुवान विंग की जो है आप नायब सदर मंति हुई हैं खुतन के हवाले से आपने क्या प्लान बनाया कि क्या करने जा रही है उनके लिए देखिए जी खुत के हवाले से हमने ये प्लान बनाया है कि अब खुवा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती हैं उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता सपोर्ट सिस्टम नहीं होता और एक फ़ीमेल ही फीमेल की कंडीशन समझ सकती है तो पाकिस्तान वुमेन विंग के वजूद में आने का मकसद भी यही था बीबी शहीद ये चाहती थी और हमारी जो प्रेजिडेंट हैं समीना खालिद घुड़की मैडम वो भी औरतों के मसाइल को हल करती थीं उन्हें एक टीम वर्क अब यूथ में से चाहिए था जो जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसको सोल्यूशन दे सके क्योंकि एक फ़ीमेल ही फ़ीमेल से अपनी प्रॉब्लम कर सकती है अच्छा खातिन के आ, से हवाले से बात कर रहे हैं मोस्टली हमारी खातिन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हेरासमेंट का शिकार होती हैं अपने दफातर में अपने रिश्ते करीबी रिश्तेदारों से जो है हेरासमेंट होती है उनके साथ लेकिन उनकी बात बातें कोई यकीन नहीं करता वो झिझकती है शर्माती हैं घबराती हैं और हेरास होती जाती है उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप देखिए उनके लिए ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि उन्हें बिल्कुल भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है फीमेल की पार्टी है मजदूरों की पार्टी है तो वो हमसे हम करें कर आउट करेंगे औरतों के लिए काम करने का जज्बा है इसी जज्बे के तहत ये फ्रंट फुट पे आई है ताकि आप लोगों के जल्द आपके मसाइल को जो हल किया जाए और पाकिस्तान की खातन का बाहर बड़ा अहम किरदार है और इस वक्त हमें यूथ की ज़रूरत है ताकि हमारी यूथ आने वाले वक्त में हमारे मुल्क को तरक्की याफ़्ता मुल्कों में इनको आगे सफ़ में लेके आए मज़ीद अभी बात करते हैं और भी यहाँ पे दोस्त आए हुए हैं उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं वालक मेरा नाम सना अच्छा सना क्या कहेंगी आज आपने यहाँ पे वेलकम किया और उनको मुबारकबाद दी शहर हादी को तो आप क्या कहेंगी माशा आप भी नौजवान जो हैं आप आज यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आएंगे क्या कहेंगी मैं ये कहना चाहूँगी कि शहर हादी में बहुत ज्यादा पेशन है और ये नौजवानों के लिए बहुत कुछ करेंगी और हम इनके साथ हैं और इन आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगी अच्छा, सुना कि आप लोग भी पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं इनके साथ जी हमें बहुत खुशी है की हम इनको कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं आपका नाम निमरा ना निम्रा बताइए क्या आज आप लोगों ने तकरीब रखी शहर हादी के एजाज में जी आज हमने तकरीब रखी थी और हम सब दोस्तों ने मिलकर तकरीब रखी है कि सहर हादी के अजाज़ में उनको कन्ग्रेचुलेशन हमने कहा है और हमें बहुत खुशी हुई है कि यंग हैं और उनको ये येदा मिला है और हमें यकीन है कि वो बहुत कुछ करेंगे हमारे लिए और पूरी कौम के लिए और हमें मैसेज देना चाहती हूँ कि यूथ जो है वो इनको सपोर्ट करे और हम सब इनके साथ हम लोग पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और बाकियों को भी मैसेज कि आप इन सब को ज्वन करें और आपको बहुत खुशी होगी इनको करें। क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से बड़ा अच्छा इनका किया गया आप लोगों ने बड़ा वेलकम किया सहर हादी को तो उनके हवाले से क्या बात करेंगे मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे अता किया उसके बाद में अपनी बहन सहर हादी का को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको एक मौका मिला उनका एक एम्बिशन है कि पाकिस्तान को खासकर पाकिस्तान की, की जो यंग यूथ है और सबको पता है कि पाकिस्तान की मोस्टली जो यूथ है सिक्सटी परसेंट परसेंटेज प्लस पे पाकिस्तान की यूथ डेवलप करती है तो अगर वो यंग यूथ को एक प्रजेंट कर रही है उनका एक एम्बीशन है कि पाकिस्तान की यूथ को प्रेजेंट करें एज अ इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे भी और इस्टबलिशमेंट के खिलाफ नहीं इस्टबलिशमेंट के साथ मिलकर उनके साथ काम करेंगे तो पाकिस्तान की जो तरक्की है इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ऊपर जा सकती है पाकिस्तान के आजकल जितने भी इधारों में डेफिसिट वगैरह चल रहे हैं उनको सरप्लस करने के लिए अगर हम स्टैब्लिशमेंट के साथ काम करते हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो यंग यूथ है वो ऊपर आएँ मोस्टली क्या होता है पाकिस्तान की जो मेजर जो पाकिस्तान की सीट्स हैं जो तो टेक्निकल एजुकेशन शीट्स हैं। वो ओवर एज लोगों के पास ही बात की उनकी एक्सपर्टाइज एजुकेशन में नहीं है तो यंग यूथ को वो अगर डेवलप करती है उनके वो पेशेंस पैदा करेंगे उनको मोस्टली जो पाकिस्तान की यूथ है वो अनएम्प्लॉमेंट की वजह ये भी है कि जिन चीज़ में उनकी एक्सपर्टाइज होती है वो उस चीज में यूटिलाइज नहीं कर पाते शहर हादिया उसको उनको एक पॉलिटिकल तरीके से उनको मतलब उनको एक खुशी है कि वो यूथ के लिए कुछ करें तो ये मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हुए मैंने कहता हूँ कि जब तक वो ऑनेस्ट रहेंगी जब तक वो यूथ के हक में हक़ से इसा, इसा, इसा काम करेंगे मैं इनके साथ साबित तो खड़ा रहूँगा क्योंकि आज तकरीब का शहर हादी के एजाज भी क्या कहेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि जो शहर हादी हैं उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया है और वो हमारे लिए एज अ वमेन वो हमारे लिए स्टैंड करी हैं हमारे यूथ के साथ हैं हमारे हमारी जो कॉम है उनको लेके साथ चलेंगी और सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जो हमारी वुमेन राइट्स की जो खास तौर जो बात आती है कि जो एक औरत ही एक औरत के मसले को समझ सकती है और मैं सबसे बड़ी इस चीज़ में इनको सपोर्ट करूँगी कि ये एक औरत होकर हमारी कॉम के लिए निकलेंगी और हमारे लिए स्टेप लेंगी और हम इजीली इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस तरह तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फख्र की हमारे सारी औरतों के लिए फ़खर की बात है कि एक औरत निकले ताकि और ज़्यादा औरतों को भी जज्बा आएगा इसलिए तो उनको बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशन सहर हादी फॉर दस और मैं पा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करी हूँ और uh, मैं ये कहूँगी कि आप सब भी uh, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें और इनको सपोर्ट करें ताकि हमारा पाकिस्तान मिलकर एक या फ्ता कैमरा मैन टीम के साथ आमिर सुहेल लाहौर सिटी न्यूज लाहौर सब्सक्राइब टू अवर चैनल क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल